दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करणदेव कंबोज ने कहा कि हरियाणा सरकार विकास की गति को तेज करने के लिए प्रदेश की सड़कों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास की पहली सीढ़ी सड़कों का मजबूत होना है। इंद्री क्षेत्र की सभी सड़कों को चकाचक बनाया जाएगा। पिछली सरकार ने 10 साल के शासन में इंद्री की सड़कों पर पेचवर्क नहीं किया था, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करणदेव ने इंद्री में कहा कि आरक्षण जाति आधार पर ना होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब लोग हर जाति में हैं। लाठी डंडे की भाषा बोलने वाले लोगों को जवाब देने के लिए सरकार सक्षम है। किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़क बना तो लोगों ने डिमांड रखी और मेरा भी इस पर आना जाना हुआ। मुझे भी पता था ये सड़क बहुत बुरी दुर्दशा में है और हमने प्रायोरिटी पर इस सड़क को लिया और प्रायोरिटी पर सड़क लेकर के इसका 8,20,63,000 रूपए जो है सैंक्शन होकर के आज जो है ये इस पर जो है ये काम शुरू हो चुका है। पड़ी थी जिस पर किसी ने कभी कई पैच वर्क भी नहीं कराया, तो आज ये जो है ना इस पर ये शुरुआत हो रही है इस काम की। तो ये हमारे लिए बहुत ही, ये लगभग 12 किलोमीटर की सड़क है और ये जो खेड़ा गांव से आगे जो है ना ये लगभग 12 फुट की थी, ये वाइडनिंग होनी है 18 फुट, तो वो भी चौड़ी होकर के उसमें जिसमें आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो। हर जाति में गरीब व्यक्ति होता है, गरीब की कोई जात नहीं होती है, तो आरक्षण का लाभ जो है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जिनको आज भी जरूरत है। इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।